हेलो दोस्तों, हमारे चैनल राहुल सीए में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आप बिना आधार सेंटर पे गए अपना आधार कार्ड घर से ही बैठकर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, एड्रेस। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, तभी आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे uidai.gov.in, उसके बाद एंटर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। हम इंग्लिश चूज, उसके बाद दोस्तों माई आधार पर जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा। हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमारे आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से माई आधार होम पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस दिया गया है। आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पर चूज करके प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका एड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो भी एड्रेस चेंज करके अपने आधार कार्ड में फिल करना चाहते हैं वह एड्रेस यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम अपना एड्रेस फिल करते हैं। उसके बाद दोस्तों, स्ट्रीट, रोड लाइन दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना पोस्ट फिल कर देंगे। अगर दोस्तों हमारा हिंदी शब्द जो हमने लिखा है वह मिस्टेक है तो आप इसे चूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर दिया गया है। तो दोस्तों, हम अपना एरिया यहाँ पर फिल कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना पिन कोड फिल करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हम अपना विलेज चूज करेंगे। विलेज चूज करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा पोस्ट जो है फिल हो जाएगा। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप कौन सा प्रूफ लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो डॉक्यूमेंट है JPG, PNG, PDF में होना चाहिए। तो हम यहाँ से अब अपना डॉक्यूमेंट PDF में कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो डॉक्यूमेंट है 100% सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने जो एड्रेस फिल किया है यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों, हमने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन पे हम यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पे हमारा कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें ₹50 पेमेंट करने होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर चेक मार्क लगा कर हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा कुछ इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। दोस्तों, हमें एक डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट मिलेगी, जिसे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, आपका जब पेमेंट हो जाएगा आपको एक स्लिप मिलेगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें एक ISNR नंबर होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड का स्टेटस अभी कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।